कैनवास छोटा सा। आज हम ट्राई करेंगे, वैसे हाँ नवरात्रि आ रही है तो क्यों ना हम कुछ नवरात्रि से रिलेटेड पेंट करें। तो मैंने यहाँ पे माँ दुर्गा का स्केच करना स्टार्ट कर दिया है पेंसिल से। तो नॉर्मली पहले मैं उनका फेस का स्ट्रक्चर दूंगी आधा, उसके बाद मैंने दो नेक पीस बनाए हैं यहाँ पे और साथ में दो बालियाँ बनाई हैं कान की। फिर ऊपर मैं थोड़ा मुखौट जैसा स्ट्रक्चर देने का ट्राई कर रही हूँ, बट एक्चुअल में वो प्रॉपर मुखौट तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ मैंने थोड़ा बहुत ऐसा ट्राई किया है कि मुखौट दूँ। और साइड से ये मैंने दोनों साइड 3-4 ऐसे फ्लावर्स बना दिए हैं और ऊपर से थ्रेड का सपोर्ट दिया है। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे साइड साइड में शोल्डर के पास से 3-4 ऐसे फ्लावर्स बनाऊंगी और फ्लावर्स का जो स्टिक होता है वो भी बनाऊंगी। उसके बाद हाँ हमारा ये रेडी हो गया है। इसके बाद मैं नॉर्मल, वैसे मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं पूरी जगह पे ज़्यादातर मैं ऐसा ब्लैक करूँ ताकि उसमें जो भी बाद में कलर अप्लाई करूँ तो वो हाईलाइट होके दिखे। एंड यू गाइज नो गॉडेस दुर्गा एंड हर मैनी इनकारनेशंस आर वर्शिप्ड ड्यूरिंग दिस 9 days ऑफ नवरात्रि। और ये भी माना गया है कि वेन दीज 9 गॉडेस हैज़ इमेंस पावर एंड वेन दे कम्बाइन दे ऑल फॉर्म अ गॉडेस दुर्गा। एंड द अननोन फैक्ट इज दैट नवरात्रि अकर्स 5 times a year। वैसे तो हमें सिर्फ 2 बार ही का पता था कि जो अप्रैल मई के आसपास पड़ती है और एक जो अक्टूबर सेप्टेम्बर के आसपास आती है। सो वो 5 times पता कौन कौन से हैं? ये मार्च या अप्रैल के मंथ में पहला, दूसरा जून जुलाई, 3rd September October, 4th December एंड जनवरी, एंड 5th January और फेब्रवरी। जो हमारा अक्टूबर और सितंबर मंथ में पड़ती है ना वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और वो ही सबसे ज़्यादा फॉलो की जाती है। उस नवरात्रि को हम शरद नवरात्रि बोलते हैं। सो यस, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि यस मुझे आपको पता थी ये बात। आप देख रहे हो ना कैसे मैं ऐसे छोटे वाले पतले वाले ब्रश से पूरी डिटेलिंग्स की, जो भी एरिया बच रहा है वो पूरी डिटेल दिखे वो, तो मैंने सब जगह ये ब्लैक पेंट करना स्टार्ट कर दिया और ये ऑलमोस्ट फुल हो ही गए हैं। वैसे अभी तो कुछ इतना समझ में नहीं आएगा, बट हाँ पूरा होने के बाद वो बहुत अच्छा लुक देने वाला है। सो यस, आप भी ऐसे ट्राई करते रहो, नई नई चीज़ें और नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें बनती जाएंगी आपसे। सो हाँ, ये मैंने जो फ्लावर्स में भी बनाया ना, तो थोड़ा ये मेरा लास्ट वाला फ्लावर थोड़ा बिगड़ सा गया था, पर पेंट होने के बाद इतना कुछ समझ नहीं आया। सो यस, अब मैं जो बचा एरिया है फेस का वहाँ पे मैं येलो कलर पेंट करूँगी सबसे पहले, उसके ऊपर से फिर मैंने ऑरेंज पेंट किया है। यहाँ पे मैंने जितने भी फ्लावर्स बनाए थे सबको पेंट कर लिया और मैंने यहाँ पे स्ट्रोक दे करके पूरी डिटेलिंग भी कर दी। तो ऐसे आप भी ऐसे ट्राई करते रहो ना तो आपसे भी ऐसा बिल्कुल बनता जाएगा, पूरी डिटेल में बनता जाएगा। और हाँ, ये हमारा फाइनल लुक ऐसा दिख रहा है कुछ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैप्पी नवरात्रि।